शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बताइए मम्मी जी, ये चालीस दिन का राज क्या है? ये जरूरी तो नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। कुछ जवाब कहे नहीं जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। जितना तुम्हें मैं बताना चाहती थी उतना मैं बता चुकी। अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितने भी दिन तुम इस घर में रहो, खुद खींचिए। हर एक सांस ओझल होकर निकले, सवालों के घेरे में घिरी रहो हमेशा। और 40 दिनों के बाद, 40 दिन बीत जाएगा, उसने अपने परिवार वालों को तुम्हारे और संजना के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। अब अगर उसने तलाक शलाक का शोर मचाना शुरू कर दिया तो मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जैसे तैसे ये 40 दिन निकल जाए बस। अब तक तो सिर्फ 13 दिन बीते हैं, भगवान जी की कृपा से 27 दिन और निकल गए तो दिन रात सर पर परी नाम की तलवार का जो डर खटकता रहता है वो तो दूर हो जाए। आपकी मुझसे क्या दुश्मनी थी? किस जन्म का बदला आप मुझ पे निकाल रहे हैं? बताइए सौम्य, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? संजना को पाने के लिए। संजना और मेरे प्यार के रास्ते में मजबूरियां आ गई थी और उन मजबूरियों को पार करने के लिए किसी को जरिया बनाना जरूरी था। 40 दिन का फासला तय करने के लिए कोई तो रास्ता निकालना था मुझको, और वो रास्ता, वो जरिया बनी तुम। आज मैं आपके अधूरे जवाबों से खुश नहीं रहूंगी। आज आपको बताना पड़ेगा कि ये 40 दिन का राज क्या है। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूं। ये 40 दिन का सवाल मेरे सीने के अंदर खंजर की तरह चुभता है। मैं चैन से सो भी नहीं पाती हूं, हमेशा तड़पती रहती हूं, मन हमेशा बेचैन रहता है। अरे सौम्या, ये 40 दिन का राज क्या है? कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब सवालों से भी ज्यादा ठीके होते हैं, और तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि जवाब की चुभन महसूस करने के बजाय सवालों की बेचैनी सह लो। और अब तुम मेरे और संजना के रिश्ते के बारे में जान गई हो तो आइंदा इसके बारे में कुछ मत पूछना। मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं एकदम अकेली हूँ। परी बेटा, माँ,
तुम अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें मेरे साथ बांट सकते हो बेटा। माँ मैं क्या करूं? एक लड़की जब अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति के साथ सात फेरे लेती है तो यूं समझो कि सात जन्म सिमट कर सात फेरों में बन जाते हैं। बस तुम कभी हिम्मत मत हारना, मुश्किलों की तेज आंधी में चाहे तुम्हारे कदम लड़खड़ाए लेकिन अपने कदम पीछे मत हटाना। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है परी। खुश रहना मेरी बच्ची। थापर साहब, हम नजरें बिछाए बारात का स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। बैठिए प्लीज। भगवान की कृपा से हमारे परिवार एक और मजबूत बंधन में बंधने जा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि खुशियां जब दरवाजे पर दस्तक देती है ना तो सारा घर खुशियों से महक उठता है। बहुत खूबसूरत है। मुबारक हो सब। अभय जी कामयाब, मुझे आप लोगों से एक गुजारिश करनी है। जी कहिए सुविधा जी। दरअसल बात यह है कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके घर में भी शादी है तो परी और कामयाब बहुत बिजी होंगे। जाहिर है परी की ननंद की शादी है तो उसका होना तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, लेकिन हम लोग सब चाह रहे थे कि परी थोड़ा वक्त अगर हमारे यहाँ भी गुजारे तो बहुत अच्छा होगा, उसके साथ कुछ रस्में हम भी मना लें। आप लोग तो समझ सकते हैं कि अगर बहनें नहीं हों शादी में तो घर की रौनक अधूरी हो जाती है, इसलिए मैं। सुरेखा जी, आपके घर की शादी की रौनक कम नहीं होगी, परी दोनों घरों के खुशियों का मान रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन इस बात को सुनकर बहुत खुश होगा, बहुत परेशान था बेचारा इस बात को लेकर। लीजिए ना मीठा कीजिए। पता है माँ, आज ईशाना और मैं तुम्हें खास मिलने आए। दादू और दादी तो आ जाएंगे कार्ड देने के लिए। दोनों कार्ड दे दो। कोई शादी करवानी होगी, आपके आशीर्वाद के बिना हमारी खुशी अधूरी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। तुम लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। दुनिया की सारी खुशियों पर तुम्हारा हक हो। अपन लोग चलता है। अच्छा हे भगवान, तेरे खेल भी निराले हैं। कैसे कैसे रिश्ते जोड़ देता है तू।
मेरा आदि आज उसी औरत का दामाद बनने वाला है जिसने उससे उसकी खुशियाँ छीनी थी, जिसने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया, उसकी माँ की गोद से दूर कर दिया। कामिया कन्यादान करेगी तो शायद उसके पापा का प्रायश्चित हो जाएगा। अपनी बेटी का हाथ मेरे आदि के हाथ में देगी ना तो उसके पापों की भरपाई हो जाएगी। वैसे आज ना मेरे दिल पर जो बोझ था वो कम होता महसूस हो रहा है। मेरे आदि की जिंदगी में खुशियों की बहार जो आने वाली है। हाँ हाँ, उसकी जिंदगी में तो खुशियों की बहार आएगी, पर तूने मेरे को बैठे बैठे बर्बाद कर दिया। तू क्या है, तेरी जबान क्या कटक रही है? तू तू क्या है सब? अरे अपन एक महीने के लिए जल गया था, कोई ऊपर नहीं चला गया था भगवान के पास, अब तू ये मेरे पीछे तूने ये सब क्या पागलपन किया? आदित्य को क्या ये सब? अभी साला मेरी बात समझ में आ रही है कि आदित्य अपन को जेल में मिलने के वास्ते काहे को नहीं आया, और तेरे को पूछ तो कभी ये बहाना कभी ये बहाना, अब अपन के खोपड़ी में सारी बात समझ में आ रही है कि अपन के पीछे तू क्या तमाशा कर रही है। देख, जो हुआ सो हुआ, और जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, अब तू कोई तमाशा मत खड़ा कर देना। अरे पागल हो गई तू क्या? तेरे पास ना दिमाग था ना है? अरे मंद बुद्धि, आदित्य को वापस किया तो किया, उसके बदले कुछ 20-30 लाख अंदर करती। बस कर, माँ अपने बेटों का सौदा नहीं किया करती, और तू इतनी ऊंची बातें मत कर। तू देख यू सोच लेना तू कि आदि कभी हमारी जिंदगी में आया ही नहीं। पता था मुझे कि तू ऐसी कोई नीच सी बात सोचेगा, इसलिए तेरे को बताया नहीं कि आदि की जिंदगी में क्या हो रहा है। तो एक बात समझ ले, हमारे आदि की जिंदगी में खुशियां महकने वाली है। तू कोई ओछी हरकत मत करना। तू कान खोल के एक बात सुन ले, उसकी खुशियों में मैं तेरे लालच की चिंगारी लगने नहीं दूंगी, समझे ना? इधर से निशाना आदित्य। मंगेश मेरी बात सुन। भगवान, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, मेरे बेटे की शादी में कोई मुश्किल खड़ी ना कर देंगे। सूत्र बांध दीजिए। चिंता मत कीजिए भैया, एकदम हल्के कांठे बांधूंगी। हमारी ईशाना की उंगलियां भी तो नाजुक है, कहीं खोलते खोलते थक गई तो आप ही को तो तकलीफ होगी।
भाई को अपनी बहन को होशियारी का इम्तिहान देना होगा। भैया अभी मैं आपकी बहन नहीं हूँ, मैं ईशाना की भाभी हूँ, तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन हर रिश्ते से पहले बहन का रिश्ता सबसे पहले होता है। अगर बहन में भाई के हैसियत से मांग लूं लड्डू तो hmm.
देखो देखो सुनिए सुनिए सुनिए, ये चीटिंग भैया ब्लैकमेल नहीं है। अब एक भाई अपनी बहन से कुछ भी चीज मांग सकता है ना, लेकिन छीन नहीं सकता। पॉइंट। बाकी बातें तो ठीक है, पर आज से आप भी उम्र कैद की सजा में बन गए, लीजिए ना। और ये सजा भी ऐसी है जिससे छुटकारा पाने के लिए ना ही कोई जुर्माना देना चाहता और ना ही कोई केस लड़ना चाहता। हमारी तरह सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। एकदम बराबर बोला। ये बोला था संजना। सौम्या, मैं जानती हूँ शादी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे भूल ही जाओ। ऐसी बात नहीं है संजना। ऐसी ही बात है। मैंने पहले भी फोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? Come on, संजना, try to understand। उस वक्त बारात आ रही थी और मेरा अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन की शादी है, बिजी हो। देखो सौम्या, मैं ईशाना की शादी के लिए बस इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों अब साथ नहीं। लेकिन तुम ये बात मत कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, forever। Yes संजना, forever। कहो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के भेज दूँ? नहीं, इतना भरोसा तो कर ही सकती हूँ तुम पर। लेकिन सौम्या, एक बात का ध्यान रखना, ना तुम परी के नजदीक जाओगे और ना उसे अपने करीब आने दोगे। मैं जानती हूँ वो बहुत खूबसूरत है और आज तो उसके भाई और उसकी ननन की शादी होगी, खूब सजी होगी। तुम्हें अपने रूप के जाल में फंसाने की कोशिश करेगी, तुम उसे दूर ही रहना। उसकी कोई भी कोशिश मुझ पर कोई भी असर नहीं कर सकती। आई प्रॉमिस। नाउ इफ यू डोंट माइंड, मैं जाकर गेस्ट को अटेंड करूं? इजाजत है? हाँ इजाजत है। बाय। जिम्मेदारी यहाँ चमेली संभाले, किसी को तो काम करना ही नहीं। कहाँ रह गए, सो तो नहीं गए? यही ठंडा होगा। देखो हमने कहा था सब गरम करके सबको सर्व करो, समझे? जाओ बदल के लो, चलो चलो निकलो। तुम ध्यान न रखे तो पता नहीं शादी का क्या होगा, हो ही ना पाए। अरे वाह रे मेरे आदित्य, आखिर मेरी ट्रेनिंग काम आ ही गई। बहुत बड़ा हाथ मारा है तू, लेकिन मेरा हिस्सा